खबरों में बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्थ ईस्ट दौरे की, क्योंकि आज नॉर्थ ईस्ट दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज भी नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले हैं। आज असम में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी करेंगे। अरुणाचल में 825 करोड़ के टनल का उद्घाटन भी करेंगे। सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित पीएम के द्वारा की जाएगी। तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी देगी ये सुरंग। तो ये सुरंग की सौगात असम के वासियों को अरुणाचल के दौरे पर, नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। और असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आज नजर आने वाले हैं और अहम बातें उनके द्वारा कही जा सकती हैं, संरक्षण को लेकर, जानवरों को लेकर, किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है जानवरों का संरक्षण। और खासतौर पर काजीरंगा नेशनल पार्क जाना जाता है राइनोसोरस के लिए, यानी कि अपने गेंडों के लिए। और उस बीच जिस तरीके से गेंडों के संरक्षण की चर्चाएं भी लगातार बनी हुई हैं, उस बीच प्रधानमंत्री हो सकता है उसको लेकर भी एक अहम मैसेज देते हुए नजर आए। तो फिलहाल जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्थ ईस्ट के दौरे की, जहां पर आज उनका दूसरा दिन है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम नरेंद्र मोदी जंगल सफारी करेंगे और साथ साथ में अरुणाचल में 825 करोड़ के टनल का उद्घाटन भी उनके द्वारा किया जाएगा। ये टनल बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कनेक्टिविटी को ये टनल बढ़ाने वाली है, टाइम को लोगों के कम करने वाली है, यानी कि कम देरी में ज़्यादा सफ़र। इस टनल की कनेक्टिविटी की वजह से, इस टनल की वजह से लोगों को सहूलियत होगी। सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। इस सेला सुरंग की वजह से तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी देगी ये सुरंग। तो तवांग में मौसम चाहे कुछ भी हो, लेकिन कनेक्टिविटी के ऊपर दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये सुरंग कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी और लोगों के लिए सहूलियत देगी।